सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दीपिका कान, स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों से। ये देखिए, अच्छा हाँ बोलने देना, वो भी दीदी है, बोलो। हाय गाइस, हम जा रहे स्कूटी में। कहाँ? मम्मी मां गई। चल हो गया। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, लगभग 8:30 होने वाले होंगे, टाइम तो मैंने देखा नहीं है। बाकी चाय वगैरह होगी है, नाश्ता नहीं हुआ है। और मैं आपको आज का सबसे पहले मौसम दिखाती हूँ, उसके बाद आगे ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज का खूबसूरत सा मौसम, हल्के हल्के ऊपर साइड बादल लगे हुए हैं और हल्की धुंध भी है, लेकिन धूप अच्छी से खिल गई है। और ठीक सामने देखो हमारी चाची लोगों के जो नारंगी है उसका पेड़ जा क्या फलों से भरा हुआ है आपको नज़र आएगा। नीचे भाभी धूप सेक रही है। इधर साइड देखिए सारे बच्चा पार्टी, और हमारे प्राकृतिक एसी की दर्शन करिए आप लोग भी, मेरे साथ बने रहे। आज मैं आपको ले जाऊंगी इतनी खूबसूरत सी जगह ना, तो मैं पहले नहीं बताऊंगी, ये सस्पेंस है। और इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है ना, मेरे साथ ऐसा मान लो कि सपना है हाँ वहाँ जाने का। शादी के बाद, शादी के पहले तो मैं गई थी, शायद ही मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने ऐसे कभी पहले देखा होगा। तो मेरे साथ बने रहें, हम फटाफट से रेडी होते हैं, फिर मिलते रहेंगे आपको रास्ते। चलिए गाइस, सुबह के 10 बज गए हैं और हम लोग निकल गए हैं घर से। और ठीक नीचे है घर, और हम थोड़ा अभी पैदल चढ़ाई चल रहे हैं, फिर उसके बाद ऊपर हमने गाड़ी लगा रखी है। घर के नीचे भी रोड है, लेकिन वहाँ से फिर हमने काफ़ी लॉन्ग आना था, इसलिए इन्होंने पहले ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी है। हेलो बोली, कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा चढ़ाई पे दिक्कत हो रही है, तो मैं हूँ, हस्बैंड जी हैं आगे से, मम्मी जा रही है, तो मिलते रहेंगे आपको बीच बीच में। गाइस अभी हम पहुँच गए हैं खड़पतिया मार्केट में, ये देख सकते हो आप, सुंदर सा छोटा सा मार्केट। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे खड़पतिया मार्केट पड़ता है। ये ऊपर साइड पूरे गांव है, यहाँ देख सकते हो आप लोगों ने पूरे घास पेड़ों पे लगा रखा है लोगों ने, और काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है खड़पतिया भी। लगभग 2 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ गेहूँ पिसवाने आते थे और यहाँ से पिसवा के ले जाते थे। ठीक सामने है कांडा गांव। उस टाइम मैं परवेश कांत को नहीं जानती थी। यहाँ पर है खूब सा सुंदर सा बुग्याल टाइप का, टाइप नहीं बुग्याल है। गाइस हमने गिमतोली क्रॉस कर दिया है और अभी हम गिमतोली से थोड़ा आगे हैं, और यहाँ से अब मोहनकाल 10 किलोमीटर रह गया है मात्र, और मोहनकाल से पीछे हमें कनकचौरी में उतरना है। तो हम जा रहे हैं, मैंने आपको बताया नहीं, हम जाएंगे कार्तिक स्वामी। और यहाँ के देखो क्या खूबसूरत से नज़ारे हैं, और चट्टान तो बड़ी ख़तरनाक है भाई। हम पहुँच चुके हैं, 3 किलोमीटर मात्र रह गया है कनकचौरी, वहाँ पर हम उतरेंगे। और अभी हम एक जगह पर थोड़ा रुक गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, पूरा बांज बरांस का जंगल है। और यहाँ से हम यहाँ पे इसलिए रुके कि यहाँ नीचे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी लोकेशन है। यहाँ नीचे देख सकते हो आप, ये है पोखठा गांव, और रोता है, सिमलासु है, बहुत सारे गांव, बाकी मुझे भी नाम पता नहीं है। और ये है यहाँ पे मम्मी, और आप ठीक सामने जो मार्केट दिख रहा है ये यहाँ पर, तो यहीं पर हमने रुकना है ठीक सामने। 3 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। मम्मी कैसे लग रहा है तेरे को आज? बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है आज, पहली बार जा रहे हो आप, अच्छा लग रहा है? लेकिन यहाँ से हमें पूरे 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, तो देखते हैं कितना कितना चढ़ पाते हैं, और शाम को तो शामी को पता चलेगा। अब तो मिलते हैं आपसे आगे। ये यहाँ पहुँच गए हम कनकचौरी मार्केट में, यहाँ पर पूरी प्रसाद की दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, और अब हम यहाँ से चलते हैं। चलिए प्रसाद वगैरह सब ले लिया है हमने,
तो यहाँ पे वन विभाग वाले बैठे हैं, हमने अपना आधार कार्ड दिखाया। जैसे कि हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो हमने यहाँ पे पर पर्सन 10 रुपये दिए और ये जंगल को मेंटेन करने के लिए रखा गया है। आगे आगे हैं वहाँ नीचे पे, हमने थोड़ा सा पर्चे काटी, वन विभाग वाले बैठे हैं, उनका कहना है कि वो जो रास्ता है उनको उसको मेंटेन करने के लिए फीस ले रहे हैं, सफाई वगैरह जो भी होती है रास्ते की। तो हमने वहाँ पे पैसे काटे, तो जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के होंगे उनका है पर पर्सन 10 रुपये, यानी कि हम लोग 3 हैं तो हमने 30 रुपये दिए, और जो यहीं के लोकल लोग हैं तो उनका निःशुल्क है, और जो बाहर के कहीं होंगे उनका 50-100, जिनका कैमरा होगा उसका 100 पड़ रहा है, और जो ड्रोन उड़ाएगा उसका 500 है बिल जो भी है। तो अभी हम चढ़ेंगे, पूरे 4 किलोमीटर हमें चढ़ाई चढ़नी है, तो वैसे खास खतरनाक वाली चढ़ाई तो नहीं है, ठीक ठीक है, तो चल ही रहे हैं और अच्छा लग रहा है। कब से सोचा हुआ था तो आज पूरा हो गया। मैं ये जो वन देवियाँ होती हैं उनके लिए लोगों ने बिंदी, चूड़ी, चुनरी, ये ऐसे चीज़ें चढ़ा रखी हैं ताकि वन देवियाँ प्रसन्न हों, अपना आशीर्वाद बनाए रखें सब पे। हर जगह पूरे रास्ते में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इस जगह पे थोड़ा रेस्ट कर लिया है, लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र हमने पूरा कर दिया है। अभी हम एक जगह पे बैठे हुए हैं, थोड़ा थकान भी लग गई, अच्छा लग रहा है। तो कौन जाने, सामने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गांव दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है खड़पतिया, ये यहाँ पे खड़पतिया गांव है, नीचे दानकोट है, ठीक सामने हमारा भी गांव दिख रहा है यहाँ से, और ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है इस वाले फ़ोन से, खूब काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से। और जंगल देखिए, यहाँ से पूरा बांज बरांस का ही दिख है, इतना ठंडा लग रहा है ना, क्या ही बताएं आपको। और कोई बात नहीं, हस्बैंड जी पतले हो जाएंगे जरा एक दिन। वहाँ पे हमें दिख गए हैं घोड़े भी, तो जो हाँ जो असमर्थ लोग हैं तो वो घोड़े से भी यात्रा करते हैं, अब थोड़ा ही रह गया है आगे चलने के, घोड़े से भी यात्रा कर सकते हो तो 1000 पर पर्सन है आने और जाने का, तो आप वो भी, कई लोग जो चलने में असमर्थ होते हैं वो ये भी कर सकते हैं। तो अब थोड़ा ही रह गया है, और जितने हम नज़दीक जा रहे हैं उतनी और खुशी हो रही है, एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हम और जल्दी जाए और जल्दी जाए। तो हम, मैं सच बताऊं तो हमें लगी नहीं रहा कि हमने इतनी लंबे, हाँ और पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सारी चीज़ें नई नई, तो हम पहले यात्रा कर देखिए। हाँ अब आधा किलोमीटर है, हम श्रीनगर साइड से आने दो ना, जरा यात्रा कर लो पहले वापस। हाँ यहाँ पे सारी दुकानें हैं, आते हुए हम करेंगे इंजॉय जलपान वगैरह, और पहले ने यहाँ पे बिल्कुल भी इतना नहीं था, अब सारे यहाँ पे होम स्टे वगैरह भी बन गई हैं, ये देख सकते हो आप, कोई अगर यहाँ रुकना चाहे तो रुक सकता है। हाँ लीच देख लो, यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर रह गया है, और जो ये गेट है यहाँ से मंदिर की सीमा स्टार्ट हो गई है। तो माँ तो कितने साल का दौड़ी हो, लगभग 15-16 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ तो 22-23 साल हो गई मम्मी को यहाँ आए, उस टाइम तो दुकान वगैरह भी कुछ थी भी नहीं है, बोले यहाँ पे माँ ऐसे बोल रही है काफ़ी। ये स्टार्ट हो गई है, पूरे रास्ते में थे लेकिन यहाँ से मंदिर की सीमा हो गई है, तो रक्षक है सारी। तुमको बोलना था, तो जैसे कि मंदिर की सीमा स्टार्ट हो गई है, तो मैंने भी श्रृंगार का सामान ला रखा था, चूड़ी वगैरह, तो यहाँ पे चढ़ा देते हैं, मैंने कहा यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सारी वन देवियाँ हम सभी पर, आप सभी पर कृपा बनाए रखें। दूसरी जगह पे
श्रृंगार का सामान, चूड़ी जो होती है टांग दे दो, इसको बोलते हैं यहाँ पे वन देवी ओखली। और यहाँ पे ओखली बनी हुई है, हाँ हाँ यहाँ पे भी तो बनी है पत्थर से, और एक ये है यहाँ पे पूरी ओखली बनी हुई है। तो मम्मी ने यहाँ पे वो कर दिया है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भी ओखली बनी हुई है जी। फाइनली हम पहुँच गए हैं श्री कार्तिक स्वामी जी के चरणों में, और सबसे पहले सभी ये देख सकते हो बजरंगबली जी, सभी देवताओं के संकट बिल्कुल चुटकियों में हर देते हैं बजरंगबली। इसीलिए सभी देवी देवताओं के मंदिर के सामने बजरंगबली हमेशा होते हैं। और ये देखिए हम कितना खूबसूरत और सुंदर दृश्य, ये देखिए गाइस हम ठीक कहाँ से आए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ठीक मेरे हाथ के सामने टावर है, यहाँ से यहाँ पे देखो रोड है, इतना आए हम पूरे 4 किलोमीटर चढ़ के, बहुत है गाइस आने के लिए बहुत ज़्यादा। ये चढ़ाई चढ़ाई नहीं लग रही है क्योंकि हम पहुँच ही गए हैं, और जितने हम नज़दीक जा रहे हैं उतनी और एनर्जी आ रही है, थकावट तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है।